रॉयल एनफील्ड ट्विन ब्रदर्स। सो इन चारों बाइक्स को मैं कहता हूँ ट्विन ब्रदर्स, क्योंकि ये चारों की चारों ना इंजन तो एक ही शेयर करता है, बट चारों की एप्लीकेशंस काफ़ी अलग है। तो आज का वीडियो उसी के ऊपर होने वाला है कि कौन सा वाला बाइक किस लिए स्टैंड लेता है, या फिर कौन सा वाला बाइक किस राइडर के लिए, और क्या क्या अलग है इन चारों भाइयों में एक दूसरे से। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पैरेलल ट्विन फ्रॉम रॉयल एनफील्ड। सो यस, दिस इज द लेजेंडरी इंटरसेप्टर। ये रॉयल एनफील्ड के लाइनअप का पहला 650 सीसी मोटरसाइकिल है, और बेसिक कुछ पैक्स है जो ओवरऑल कॉमन रहेंगे इन ऑल द मोटरसाइकिल्स। इसकी बात करें पर्टिकुलरली इंजन की, तो एज यू ऑल नो दिस इज द पैरेलल ट्विन इंजन विच प्रोड्यूस 47 bhp और 52.7 Nm ऑफ टॉर्क, जो कि काफ़ी मज़ेदार यहाँ पे रहने वाला है। उसके अलावा अगर मैं पर्टिकुलरली इस बाइक की बात करूँ तो दिस इज़ मोर फॉर टूरिंग, राइट। तो ये आपको टूरिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। यहाँ पे आपको जो टैंक मिल रहा है, अभी टैंक कुछ बाइक्स में अलग होगा, कुछ बाइक्स में सेम है। इसका जो टैंक है वो आपको मिलने वाला है अप्रॉक्स 14 लीटर्स, 13.7। अब बात करते हैं मेन डिफरेंस की, जो ज़्यादातर मोटरसाइकिल्स में आपको देखने को मिलेंगे। एज आई मेंशन अर्लियर, दिस बाइक इज़ फॉर टूरिंग। सो इसका जो सेगमेंट है वो आप ऐसे देख सकते हो कि अगर आप टूरिंग करना चाहते हो, सो यस दिस बाइक इज़ फॉर यू। अगर मैं सिटिंग स्टैंड की बात करूँ तो हियर यू कैन सिट लाइक दिस ऑन दिस मोटरसाइकिल, और जो आपका पोजीशन होगा काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग आपको फील होगा, क्योंकि आप इस पर टूर करने वाले हो। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द कंसोल एंड द स्विचेस, सो ये ओल्डर वर्जन है, अपडेटेड वर्जन ऑलरेडी आ चुका है, जिसकी स्विचेस वगैरह काफ़ी अलग है। बट इसमें आपको जो कंसोल मिल रहा है वो काफ़ी बेसिक सा एनालॉग और छोटा सा एकदम डिजिटल स्क्रीन यहाँ पे देखने को मिलता है। हैंडल बार मेरे हिसाब से वाइड तो है, पर इतना ज़्यादा भी नहीं है। सो या दिस इज़ द इंटरसेप्टर। हाँ हाँ, इसके जो स्पोक व्हील्स आपको मिल रहे हैं ये ट्यूब वाले, और 19 इंच के दोनों व्हील आगे पीछे आपको मिलने वाला है इसके अंदर। सो नेक्स्ट अप वी हैव द सेकंड पैलेट ट्विन प्रोडक्ट फ्रॉम रॉयल एनफील्ड इज GT 650। सो GT 450 आई गेस या 425 जो इससे पहले का था, वो तब से मेरा फेवरेट रहा है। एंड यस, दिस वन इज आल्सो वन ऑफ माय फेवरेट मोटरसाइकिल। अगर मैं सेगमेंट की बात करूँ तो इंटरसेप्टर जो कि टूरिंग मोटरसाइकिल है, उसके सामने ये जो कि ऑलमोस्ट सेम इंजन, सेम चेसी, सब कुछ सेम शेयर करने के बावजूद कुछ चीज़ों में उनसे अलग है। और ये जो सेगमेंट है ये है कैफे रेसर सेगमेंट। सो बेसिकली कैफे रेसर सेगमेंट में आपको हैंडल बार जो स्पोर्ट्स बाइक वाला सीन मिलता है, ये विंटेज क्लासिक मोटरसाइकिल यू कैन से, पावर डिलीवरी वगैरह ऑलमोस्ट सेम है, 47 bhp, 53 Nm ऑफ टॉर्क। यहाँ पे टायर्स भी आपको 19 इंच के ही दोनों के दोनों मिलेंगे, दोनों ही स्पोक व्हील्स मिलने वाले हैं। आप अगर कंसोल की बात करो तो कंसोल भी ऑलमोस्ट सेम है, फुटपैक्स की जो पोजीशन है वो भी सेम है, कोई फर्क नहीं है इंटरसेप्टर में और इसमें, आगे वाली बाइक्स में या नहीं वो हम आगे देख लेंगे। सो यस, अब अगर इसके डिफरेंस की मैं बात करूँ तो सबसे मेजर जो डिफरेंस आएगा वो आपका आएगा सिटिंग पोजीशन के अंदर। तो जब आप इंटरसेप्टर पर बैठते हो तो आप ऐसे पकड़ने वाले हो, पैर ऐसे रखने वाले हो, और यू आर वेरी कम्फर्टेबली राइडिंग द मोटरसाइकिल। बट वेन यू राइड द GT, एंड यस अगर इंटरसेप्टर की टैंक की तरफ आप देखोगे ना तो बड़ी सी टैंक दिखेगी और यू राइड कम्फर्टेबली, बट वेन यू राइड GT यहाँ पे चीज़ें बदल जाती है। टैंक थोड़ी सी पतली है, थोड़ा सा फील देगी आपको स्पोर्ट्स सेगमेंट का, और आपका जो सिटिंग पोजीशन है वो कुछ ऐसे आने वाला है। सो व्हेन यू राइड इन स्पीड यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट इन दिस मोटरसाइकिल। सो एनीवेज, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन GT एंड इंटरसेप्टर। हैंडल बार का फ़र्क है मेनली, और सिटिंग पोजीशन का काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। सो अगर आप इस बाइक को टूरिंग के लिए प्लान कर रहे हो, आई सजेस्ट एक बार सोच लो कि इस टाइप के स्टाइलिंग पे आप टूरिंग कितना कंफर्टेबली कर पाओगे। ऑल दो हायाबुसा लेके भी टूरिंग की जा सकती है। सो या दैट्स द कॉन्टिनेंटल GT फॉर यू गाइस। बहुत सारा समय लिया रॉयल एनफील्ड ने, और फिर उन्होंने अपने 650 पैलेट विन इंजन को यूज़ किया इन दिस वेरी ब्यूटीफुल मशीन आफ्टर GT एंड इंटरसेप्टर। तो ये है सुपर मीटियोर 650। अगर मैं इंजन की बात करूँ तो इंजन स्पेक्स अगेन द सेम जो आपको GT कॉन्टिनेंटल GT में मिलता है, इंटरसेप्टर में मिलता है, द सेम पावर आउटपुट 47 bhp, 53 Nm ऑफ टॉर्क। बट दिस बाइक इज़ डिफरेंट, क्योंकि ये सुपर मीटियोर
आपका पूरा डिफरेंट सेगमेंट में चला जाता है। दिस इज दी क्रूजर मोटरसाइकिल जो कि रॉयल एनफील्ड की तरफ से काफ़ी मज़ेदार बाइक है। और अगर इस बाइक के मज़े की मैं बात करूँ तो काफ़ी छोटी छोटी डिटेलिंग पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ध्यान गया है इस बाइक में। अगर आप हैंड ग्रिप्स की बात करो, आप फुट पैक्स की बात करो, या फिर आप स्टाइलिंग की बात करो, तो काफ़ी सारी चीज़ें इस बाइक में आपको अलग देखने को मिलेगी। फर्स्ट जो एकदम से विजन में आता है अपार्ट फ्रॉम दी GT एंड दी इंटरसेप्टर, वो है इसके अलॉय व्हील्स और उसकी साइजेस। सो फ्रंट में आपको 19 इंच का अलॉय व्हील मिलता है जो कि ट्रेडिशनली सारे में मिलने वाला है। रियर में यू विल गेट दी 16 इंच का अमेजिंग एंड वाइड टायर जो कि इसके लुक को एनहेंस करता है। एग्जॉस्ट भी चेंज हो गया है वो दो में से, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग एग्जॉस्ट टिप आपको देखने को मिलता है, साउंड थोड़ा सा अलग करता है वो राइड में, अभी आप देख लोगे। सो टैंक कैपेसिटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है। यहाँ पर आपको 15.7 है कि 16 लीटर्स का टैंक अप्रॉक्स आपको मिल जाता है जो कि वो दो बाइक से थोड़ा सा अलग करता है इसको। अब इस पे बैठ के आपको इसका स्टैंड भी एक बार दिखा दे। सो डबल स्टैंड पे यहाँ पर आपकी जो फुट पोजिशन होगी वो अपराइड होगी, आगे की तरफ आप रखने वाले हो। काफ़ी रिलैक्सिंग जोन में आप बैठ के इस बाइक को चलाओगे एज इट्स अ क्रूजर। ग्राउंड क्लियरेंस आपको कंपेयर टू अदर मोटरसाइकिल्स कम मिलेगा, बट कंपेयर टू क्रूजर मोटरसाइकिल्स काफ़ी बढ़िया है। हाँ, अगर आप कोई बेसिक मोटरसाइकिल चलाते हो तो फिर आपको शायद कम लग सकता है, खड्डों वड्डों में दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज दिस इज दी अमेजिंग क्रूजर मोटरसाइकिल एंड बेस्ट बजट क्रूजर मोटरसाइकिल। काफ़ी वाइड हैंडल बार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर कंसोल की बात करें तो थोड़ा सा डिजिटल थोड़ा सा एनालॉग टाइप का कंसोल आपको मिलेगा। छोटा सा एक मैप के लिए भी यहाँ पर कंसोल आपको दिया जाता है, मोबाइल वगैरह कनेक्ट हो जाएगा आराम से। मुझे इस बाइक में डिटेलिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और इसका जो स्टैंड है, सोफे पे बैठ के अगर बाइक चलाने का शौक है तो यस, दिस बाइक इज़ फॉर यू। एंड या दिस इज सुपर मीटियोर 650 फॉर यू। सो बातें करते करते हम लोग आ चुके हैं लास्ट मोटरसाइकिल ऑफ दिस अमेजिंग ट्विन ब्रदर सेगमेंट, और यहाँ पर ये है शॉटगन 650। अब जैसे आपके GT और इंटरसेप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से सेम बनते हैं, वैसे ही सुपर मीटियोर एंड शॉटगन इज द एग्जैक्ट सेम मोटरसाइकिल। अब एक चीज़ जो मैं आगे मेंशन करना भूल गया हूँ यहाँ पे बता देता हूँ। सो शॉटगन एंड सुपर मीटियोर में आपको सेम शोवा सस्पेंशन मिलता है जो कि एक वैल्यू ऐड करता है, और वो आपको GT में और इंटरसेप्टर में नहीं मिलते। एंड अगर अब मैं स्पेक्स वगैरह की बात करूँ तो अगेन इट्स सेम चारों में। इंजन 47 53, और टैंक साइज इसमें भी सेम है और सुपर मीटियोर में भी सेम है। तो सुपर मीटियोर एंड दिस इज द ट्विन्स एक्चुअली, एंड सुपर मीटियोर एंड इंटरसेप्टर कजिन ब्रदर्स, वी कैन से लाइक दैट कि फैमिली ट्री तो सेम है, बाइक में थोड़ा सा वो डिफरेंस है। अब इस बाइक की बात करते हैं, शॉटगन, शॉट इज शॉटगन। सुपर मीटर जो आपने देखा वो बहुत ही ज़्यादा बल्क क्रूजर क्लासिक मोटरसाइकिल था, उसको ऑपोजिट कर दे तो ये वाला एक वी कैन से रफ लुकिंग एंड वेरी अमेजिंग लुकिंग बॉबर मोटरसाइकिल, जो कि अगेन इंटरसेप्टर एंड GT की तरह ही आपको डिफरेंशिएट करता है कि इसका जो सिटिंग है वो थोड़ा सा अलग है, इसका जो स्टाइलिंग है वो थोड़ा सा अलग है, बाकी ओवरऑल बाइक बिल्कुल ही सेम है। सेम अलॉय व्हील, सेम टायर साइज, सेम इंजन, सेम टैंक, बट थोड़ा सा फर्क है शीटिंग मे बी। हियर यू कैन सी हैंडल बार काफ़ी ज़्यादा वाइड मिलेगा आपको, स्ट्रेट बार मिलेगा, जहाँ पर सुपर मीटर आप ऐसे चला रहे थे रिलैक्स होके, इसको आपको थोड़ा सा एग्रेसिव स्टैंस में जाके चलाना। अगर फुट पैक्स की बात करूँ तो वो भी वापस पीछे आ गए हैं जो कि आपकी नॉर्मल बाइक्स में होते हैं, बट नॉर्मल बाइक से थोड़े से आगे, इतने ज़्यादा विषय नहीं है। सो दिस इज़ दी बॉबर मोटरसाइकिल। कंसोल सेम एंड डिटेलिंग अगेन सेम, बट इसकी जो डिटेलिंग है एक तरीके से काफ़ी डिटेल्ड है अगर आप फुट पैक्स वगैरह की बात करो, पर एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन एंड शॉर्ट एंड स्वीट रखी गई है। सो आई कैन से कि अगर आप क्लासिक व्हीकल में जाना चाहते हो तो सुपर मीटियोर इज़ फॉर यू, एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ रफ मोटरसाइकिल जो कि आप किसी भी तरह से चला जाओ, ऑफ रोडिंग मत करना इस पर, तो शॉटगन इज़ फॉर यू। सो दिस इज़ द अमेजिंग बॉबर मोटरसाइकिल फॉर यू गाइस। सो दैट्स द ऑल पैरेलल ट्विन ब्रदर्स फ्रॉम द रॉयल एनफील्ड। अब इनमें से आपका फेवरेट वाला बाइक कौन सा है या था और इस वीडियो के बाद चेंज हो गया है, या फिर आप कौन सी बाइक के लिए परफेक्ट हो जो ये वीडियो देख के आपको लगता है, ये मुझे कमेंट करके बताओ। और इस वीडियो में इतना ही था, आई होप कि आपको ये वाले बाइक्स पसंद आए होंगे और ये वाला वीडियो भी पसंद आया होगा।
सो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। अगर आपका फ्रेंड इनमें से कोई बाइक प्लान कर रहा है तो उसको ये वीडियो शेयर करो, मे बी उसके लिए इन्फॉर्मेटिव हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।